हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के दो रिजल्ट्स किए V1 एंड V2 के, ये क्या आफ्टर कोलिजन V1 V2 की ये वेलोसिटीज होंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा आएगा कि अगर दो बॉल्स हैं जिनकी कोलिजन हो रही है उनका मास बराबर है, M1 इज इक्वल टू M2, तो अगर मास बराबर है M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तो इन फॉर्मूलाज में जहाँ जहाँ M1 M2 दिख रहे हैं वहाँ MMM पुट कर दो। तो जब यहाँ M और M करोगे ये और ये टर्म तोड़ गई कैंसिल, ये क्या बनेगा 2M, ये क्या बनेगा 2M, 2M से 2M कैंसिल, 2M 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 से 2M कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ U2 और यहाँ पर क्या बचेगा U1। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है आपको, इसको ध्यान से समझना। ये रिजल्ट ये बता रहा है कि जो पहली बॉल है M वो मूव कर रही थी विद U1, जो दूसरी बॉल है M मूव कर रही थी विद U2, तो पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी V1 हो गई और दूसरी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये M है, दूसरे की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई V2। तो अगर मासेस बराबर हैं तो क्या प्रूव किया, V1 किसके इक्वल आया U2, V1 किसके इक्वल आया U2, और V2 किसके इक्वल आया U1, V2 किसके इक्वल आया U1। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, ये वेलोसिटी इसको मिल गई और ये वेलोसिटी इसको मिल गई। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये रिजल्ट क्या है, अगर मासेस बराबर है दोनों बॉल्स के तो दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी। इस एग्जांपल को समझने के लिए ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर एक बॉल मूव कर रही है एम विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 और दूसरी एम विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, आफ्टर कोलिजन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी और इसकी 10, देखो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी इंटरचेंज, ये रिजल्ट है। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर मास सेम गिवन होगा और जब मास सेम गिवन होगा बस आपने कुछ नहीं करना, वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर देना इन इलास्टिक कोलिजन ओनली, इन इलास्टिक में नहीं ऐसा होता। जैसे आपको ये गिवन होगा एक वेलोसिटी 10 है एक वेलोसिटी 5 है और दोनों हेड ऑन कोलिजन करने जा रही हैं, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं है, मास बराबर है, अगर मास बराबर है पूरा का पूरा वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज होगा विद डायरेक्शन, कैसे, आफ्टर कोलिजन ये उल्टा मूव करेगी 5 के साथ और ये इस तरफ मूव करेगी 10 के साथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो इंटरचेंज होगा होगा साथ में डायरेक्शन के साथ, तो ये पूरा वेक्टर इसको मिलेगा, ये पूरा वेक्टर इसको मिलेगा। क्या ये शॉर्टकट क्लियर है, कैसे लगाना समझ में आ रहा है, जैसे आपके पास एक वेलोसिटी 10 है और दूसरी वेलोसिटी क्या है इसमें 0, सेकेंड बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट मास बराबर है, मास बराबर है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, अब ये बॉडी किस पे आ जाएगी एट रेस्ट और ये 10 के साथ मूव करना शुरू कर देगी। क्या स्टेप क्लियर है, इस रिजल्ट का मतलब क्या है समझ में आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के अंदर V1 V2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, इतना अच्छा रिजल्ट है, मास चेक कर लो सेम है, वेलोसिटी इंटरचेंज कर दो, काम ही खत्म, आधा काम तो यही खत्म कर देगा आपका, ठीक है यहाँ तक। तो ये एग्जांपल क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने देखना है वो ये देखना है, सेम रिजल्ट है कि अगर एक मास m है दूसरा मास m है और v और v वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मास क्योंकि बराबर है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी ही होंगी, मतलब आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसको मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी एंड दे विल अगेन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ये रिजल्ट कैसे लगेगा अगर मास सेम है। अब हम फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है इसको एक बार चेक करते हैं।